पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों आप कैसे फुकेट सिटी ट्रिप कर सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। गाइस इस वीडियो में मैं दो ऐसे लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये लोकेशन तो है बहुत ही फेमस, मीन्स जो टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं सभी जाते हैं, और सबसे बढ़िया बात है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन कम्प्लीट फ्री है फॉर ऑल टूरिस्ट। तो दोस्तों सुबह सुबह आपको निकल जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप सिटी टूर का एक पैकेज भी बुक कर सकते हो और आप अकेले भी जा सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है आप अकेले ही जाओ, बिकॉज़ अगर आप कोई ट्रिप बुक करोगे कोई एजेंसी से जाओगे तो जो पैसा यूजुअली लेते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको कर ही लेगा। तो एक नॉर्मल कैब और लोकल कुछ ट्रांसपोर्ट से आप पहुँच सकते हो। तो नंबर वन प्लेस है गाइस, दैट इज़ द बिग बुद्धा। गाइस बिग बुद्धा फुकेट शहर का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और आपको जानकर खुशी होगा ये थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा एक स्टैचू है गौतम बुद्ध का। दोस्तों ये जगह शहर से थोड़ा सा बाहर है और जाने के लिए 40 टू 45 मिनट्स एवरेज लग सकता है कैब से। और आप जब एंट्रेंस करोगे एंट्री में ही आपको मिल जाएगा कुछ दुकान, कुछ खाने का दुकान, कुछ खरीदने के दुकान, आप कुछ खा सकते हो, कुछ गिफ्ट खरीद सकते हो एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग फॉर योर रिलेटिव फॉर योर फ्रेंड्स। और जाते ही आपको जो पहला चीज़ नज़र में आएगा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू पॉइंट, एक पहाड़ के ठीक एकदम ऊपर टॉप में लोकेशन है एक स्टैचू का गौतम बुद्ध का, एक बहुत ही वाइट कलर का ये स्टैचू आप देख सकते हो। और उसके सामने ही है एक पहाड़ का बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लैंडस्केप वाला व्यू। सीढ़ी चढ़ के जब आप ऊपर जाओगे दोस्तों एक तो नज़ारा आपको ज़बरदस्त लगेगा, और एक बौद्ध मॉनेस्ट्री का जो एक जो शांति वाला परिवेश है ना, एक का एनवायरमेंट दैट इज़ तो गजब का है। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा विश ट्री है, मैंने देखा है जब बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है कहीं भी जाओ यहाँ पर एक विश ट्री का तो एक बहुत ही यू नो जस्ट लाइक पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कुछ आपका विश है, आप कुछ पाना चाहते हो, आपका कोई इच्छा है, आप इस ट्री में लिख कर आप रख सकते हो। तो होता है वो लोग मानते हैं गौतम बुद्ध आपका विश को कम्प्लीटली फुलफिल करता है। मैंने भी एक विश लिखा उस पेज में, एक्चुअली मेरा तो विश एक ही था, दैट वॉज द वर्ल्ड टूर, और भी मैं घूमना चाहता हूँ। सो लेट्स गौतम बुद्धा बिग बुद्धा फुलफिल माई डिज़ायर। तो ऐसे ही अंदर जाके बहुत ही एक कमाल का सीन आपको मिलेगा, बहुत ही ऊँचे ऊँचे टेम्पल्स, ऊँचे ऊँचे स्टैचूज आपको देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा देखना वहाँ जो बौद्धिस्ट जो मॉन्क्स है उन लोगों का रिचुअल देखना करीब से। आप आराम से 2 से 2.5 घंटे टाइम लेके जाओ, स्पेंड करो नेचर के एकदम लैप में, एकदम नेचर के लैप में ऐसे ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री में एक 2 से 2.5 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। गाइस वहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट करने की ज़रूरत नहीं, एक मॉनेस्ट्री है, बौद्ध स्टैचू है, वहाँ पर एक शांति का जो एनवायरमेंट है वही आपको एंजॉय करना चाहिए। और ये जगह कम्प्लीटली फ्री है अभी तक, बट माना जाता है जब ये कम्प्लीटली तैयार अभी तक नहीं हुआ है, बट 1-2 साल के अंदर जब तैयार हो जाएगा तो दोस्तों आप अगर जाओगे तो उसके थोड़ा सा एंट्री टिकट भी लग सकता है। तो अगर आप हाल फिलहाल में जा रहे हो तो गाइस ये स्टैचू जो विजिट आपका कम्प्लीटली फ्री में आप कर सकते हो, बट नेक्स्ट जब फी टिकट क्या होगा वो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो गाइज ये तो हो गया नंबर वन, अभी चलते हैं नंबर टू। दोस्तों नंबर टू में जो बहुत ही गजब का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फुकेट शहर का, दैट इज़ द करून व्यू पॉइंट। करून व्यू पॉइंट को काटा व्यू पॉइंट भी बोला जाता है, एक बहुत ही फेमस एक व्यू पॉइंट है, और माना जाता है फुकेट शहर का दूसरा सबसे फेमस एक व्यू पॉइंट है आफ्टर ब्लैक रॉक का व्यू पॉइंट। और ये व्यू पॉइंट भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम पहाड़ के ऊपर है ये जगह, एंड ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको देख सकते हो फुकेट शहर का, करून बीच का, और कुछ हिस्सा आप काटा बीच का भी आप देख सकते हो। इसलिए इस जगह को कोई करून व्यू पॉइंट भी बोलता है, कोई काटा व्यू पॉइंट भी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बाइनाकुलर भी है, बाइनाकुलर की मदद से आप दूर तक देख सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक नेचर के लैप में भी ऐसे खड़े होकर कुछ टाइम स्पेंड करना, एकदम बहुत ही शिद्दत से नेचर को फील करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये भी हर दिन मौका नहीं मिलता है। तो गाइस ये दोनों जगह कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर फुकेट में जा रहे हो कैब ले लो,
अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप बाइक भी लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप जाकर आराम से एक से डेढ़ घंटा आप स्पेंड कर सकते हो। यकीन माने आपका एक हब डे का एक ट्रिप बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा इन दिस टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग अबाउट द फ्री टूरिस्ट स्पॉट्स इन फुकेट। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना दोस्तों के साथ, और जरूर कमेंट बॉक्स में आपका जो व्यू पॉइंट है वो भी लिखना, बिकॉज आई लव टू गो थ्रू योर कमेंट्स। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।